हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप। दिस इज मैकेनिकल सॉल्यूशन। आपका स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की। आप सबने मटेरियल साइंस पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छी तरह इस टॉपिक से वाकिफ होंगे कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो मैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, पर्पज क्या है और कूलिंग कर्व, प्योर आयरन की आयरन कार्बन डायग्राम, ये सब इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा वन बाय वन वीडियो में, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कई वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो सिंपली हम लोग हीट ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं लेकिन ऊपर ऊपर से या मतलब सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कूलिंग कर्व या आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे तब डीप में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्यों किया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जब मेटल पे या अलॉय पे कोल्ड वर्किंग या हार्ड वर्किंग की जाती है तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि चेंज हो जाती है कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग करने से। दूसरी चीज ये कि कुछ औजार बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए या कोई मशीन बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का मटेरियल या मेटल या एलॉय चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वजह से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है ताकि हम डिजायर प्रॉपर्टी को पा सके। जैसे हमको कटिंग टूल्स बनाना है तो कटिंग टूल्स के लिए मेटल क्या कैसा होना चाहिए, मटेरियल टफ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो टफ और हार्ड करने के लिए हार्डनेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दो चीजें यहाँ से हो गई। पहली चीज कि जब कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग प्रोसेस किया जाता है तो मटेरियल के प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। दूसरा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्राप्त करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। अब इसमें होता क्या दोस्तों कि मेटल को या अलॉय को सॉलिड फेज में एक कंट्रोल्ड कंडीशन में गर्म करते हैं और एक प्री डिटरमाइंड टेम्परेट से ठंडा करते हैं, जिससे उसके प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब कि किसी मेटल को एक प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद उसे प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर तक रेट से ठंडा किया जाता है, जिससे उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज आता है। माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज आने से उसके प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो जाता है। तो मेन तीन स्टेप होते हैं दोस्तों हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। पहला स्टेप यह है कि मेटल या अलॉय को एक प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। दूसरा स्टेप यह है कुछ टेम्परेचर को उसे तब तक रखा जाता है जब तक उसका स्ट्रक्चर जो है माइक्रो स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म कंडीशन में नहीं आ जाए। जैसे स्टील के लिए दोस्तों, अगर हम स्टील को प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर तक गर्म कर रहे हैं तो जब तक उसका माइक्रो स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक हम स्टील को उस टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है। तो दो स्टेप हो गया कि उस टेम्परेचर पर रखते हैं गर्म करने के बाद। तीसरा स्टेप है कि प्री डिटरमाइंड रेट से उसको कूल किया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सके मेटल की या अलॉय की, ठीक है। तो तीन स्टेप ये हो गए दोस्तों कि पहला स्टेप है प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, दूसरा वहां तब तक रखते हैं जब तक माइक्रो स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म ना हो जाए, तीसरा प्री डिटरमाइंड रेट से कूल करते हैं ताकि उसके प्रॉपर्टीज में चेंज हो सके। जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए उसके अनुसार ही ट्रीटमेंट प्रोसेस किया है। इस पूरे प्रोसेस को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पर्पस क्या होता है या एडवांटेज क्या होता है इसका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने का, तो आप लोग पहले बता, जैसे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जैसे टफनेस, हार्डनेस, डक्टिलिटी, ये सब प्रॉपर्टीज में सुधार होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से। दूसरा है मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। जो कोल्ड वर्किंग में इंटरनल स्ट्रेसेस उत्पन्न होते हैं वह दूर हो जाती है। चौथा, केमिकल कंपोजिशन समान होता है, और ऐसे ऐसे दोस्तों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में सुधार होता है, कोरोजन से बचाव होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही सब जो इसके एडवांटेज हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के। तो आई होप आप लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और इसके एडवांटेज समझ गए होंगे। दोस्तों ये एक चीज और बता देता हूँ, जो मैं कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग प्रोसेस ये मतलब नहीं होता कि हम गर्म वातावरण में और ठंडे वातावरण में काम कर रहे हैं। कोल्ड वर्किंग का मतलब होता है ज्यादा प्रेशर अप्लाइड होता है और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कम प्रेशर अप्लाइड होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो आप लोग हीट ट्रीटमेंट जान गए और हीट ट्रीटमेंट के पर्पज क्या होता है हीट ट्रीटमेंट का ये जान गए, और स्टेप कौन कौन से हीट ट्रीटमेंट में होते हैं ये भी जान गए।
ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं ज्यादा आगे बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं जो मेथड ऑफ ठीक ट्रीटमेंट है जिससे आप लोग पढ़े होंगे, इंडलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, एज हार्डनिंग, ये सब, कूलिंग करवा, प्योर आयरन और आयरन कार्बन डायग्राम, ये सब वन बाय वन वीडियो में आगे बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, या बताऊंगा। तो आई होप आपको हीट ट्रीटमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि क्यों किया जाता है और पर्पज क्या होता है। तो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज इसे शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। तो लास्ट में दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।